आर पार जिला धार, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले धार से हमारा पहला परिचय कुछ इसी तरीके से हुआ। इस परिचय की वजह थी तकरीबन 800 साल पुरानी एक इमारत। हिंदुओं के लिए ये इमारत सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुसलमान इसे पुरानी इबादत गाह बताते आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस इमारत को लेकर दोनों पक्षों के दावे सुन लेते हैं। राजा भोज ने 1034 में इस मंदिर का निर्माण किया था। यह विवाद तो काफ़ी पुराना है। जब मोहम्मद खिलजी ने इसमें आक्रमण किया था, तब से ये विवाद चल रहा है और तभी से मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार बताने का प्रयत्न किया है, लेकिन कभी भी इस पर अपना अधिकार बता नहीं पाए। तत्कालीन में 1937 में नाड़का दीवाने ने एक दिन की नमाज की परमिशन दी थी। तब यहाँ के हिंदू महासभा और आर्य समाज के लोगों ने उन्हें कभी भी यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दी और यह विवाद चलता रहा। 1942 में जो राजा बाल्यकाल से अनाथ थे, वो युवा हुए और राज्य का भार जब उनके हाथ में आया तो उन्होंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्हें मस्जिद बना के दी, जिसे आज भी राजा की रहमत मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जो कि भक्तावर मार्ग पर स्थित है। लेकिन उस समय की वहाँ के जो मस्जिद कमेटी के सदर हैं निसार अहमद, वो 1977-78 में कांग्रेस शासन में धार नगर पालिका के अध्यक्ष बने और उन्होंने पुनः उस विवाद को जो 42 में राजा ने समाप्त कर दिया था, उस स्थान पर पुनः कब्जा करते हुए वह नमाज प्रारंभ की और हिंदू समाज इसका विरोध करता रहा। देखिए, बाबा कमाल तो एक सूफी संत रहे हैं अपने ज़माने के और दुनिया का हर समाज उनको बहुत इज्जत से और नाम से जानता है, मतलब उनकी बहुत सब इज्जत और शोहरत से वाकिफ है। लेकिन जो यहाँ का मुद्दा है, बाबा कमाल के नाम से उसको जो जोड़ा जाता है, क्योंकि उस मस्जिद का नाम ही मौला कमाल मस्जिद है। मौलाना कलामुद्दीन चिश्ती दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 1291 में निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पर वो धार आए थे। इस विवादित परिसर में आज भी उनकी दरगाह मौजूद है। इस दरगाह के खादिम याजुद्दीन शेख हमें बताते हैं। मेरा नाम याजुद्दीन शेख है। मैं हज़रत सरकार कमाल मौलाना चिश्ती रहमतुल्लाह का खादिम हूँ और इनके ख़ानदान में से हूँ। सरकार को 750 साल हो गए हैं। हज़रत दिल्ली, आप मुल्तान पंजाब के थे, तो आप दिल्ली होते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन से खिलाफत लेते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन जो दिल्ली के जो खलीफा हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, वहाँ से आपने खिलाफत भेजी है और धार तशरीफ़ लाए हैं आप, और सरकार ने यहाँ पर कम से कम 40 साल आपने दर्स दिया है। यहाँ पर पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है, ये करा है और इस्लामी दर्स दिया है पूरा। और उसके बाद आपने अभी 750 साल हो गए सरकार को दुनिया से पर्दा लेते हुए। और बाकी आपका जो मज़ार है वो हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, यहाँ पर मुरादें पूरी पाते हैं। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत होती 1902 से। उस समय काशी राम कृष्ण लेले धार के शिक्षा अधीक्षक हुआ करते थे। उन्होंने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के कुछ श्लोक खुदे हुए देखे। इस आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये वही भोजशाला है जो काल के गर्त में कहीं खो गई थी। विवाद का दूसरा पड़ाव आया 1935 के साल में। इस साल धार महाराजा ने विवादित इमारत के बाहर एक तख्ती टंगवाई जिस पे लिखा था भोजशाला और मस्जिद कलाम मौलाना। ये पहली बार था कि इस इमारत के लिए भोजशाला शब्द का प्रयोग किया गया। आज़ादी के बाद आर्य समाज और हिंदू महासभा ने इस मुद्दे को सियासी रंग देना शुरू किया। 1952 के साल में इन हिंदुत्ववादी संगठनों ने इमारत पर हिंदुओं के पूर्ण अधिकार का आंदोलन चलाया। लेकिन असल तनाव की शुरुआत हुई 1991 के साल में। गोपाल शर्मा बताते हैं। वर्तमान में जब राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस समय 4 फरवरी 1991 से हिंदू समाज ने भी हनुमान चालीसा कर सत्याग्रह का प्रारंभ किया, लेकिन प्रशासन ने अंदर जाने से नकारा किया और समाज बैरिकेड के बाहर बैठ कर के ही इस सत्याग्रह को करता रहा। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ता रहा। हिंदू समाज मंदिर में जाने के लिए, अपने मंदिर में जाने के लिए, अपनी मां की आराधना करने के लिए सतत प्रयत्न करता रहा और इसी क्रम में 2002 की बसंत पंचमी पर
दिग्विजय सरकार के शासन में जब हिंदू समाज अपने माँ की आराधना करने के लिए मंदिर की ओर जा रहा था, तो उस समय पूरे हिंदू समाज को लाठियों से पीटा गया, माता बहनों को पीटा गया, संतों की पिटाई हुई। तब यहाँ के हिंदू समाज ने संकल्प लिया कि, क्योंकि हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध था, हिंदू समाज ने संकल्प लिया कि आने वाले एक साल में पूरे जिले भर के धर्म जागरण किया जाएगा इस भोजशाला माँ सरस्वती को लेकर। 1991 से फरवरी 2002 तक हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा चलाया गया भोजशाला आंदोलन लगभग शांतिपूर्ण ही रहा। 2002 में गुजरात दंगों के बाद इस विवाद ने हिंसक मोड़ लेना शुरू कर दिया। दरअसल 2003 की वसंत पंचमी और मौलाना कमाल का जन्मदिन एक ही दिन पड़ गया और यही विवाद की वजह बन गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने धार का दौरा किया और उनके भाषणों ने स्थितियों को और विस्फोटक बना दिया। धार मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद याद करते हैं। विवाद की शुरुआत ये तभी से हुई जब से बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ आने लगा। उससे पहले 2003 के पहले इतिहास में इस तरह का कोई भी वाद विवाद ज़्यादा बढ़कर नहीं हुआ धार में, लेकिन 2003 के बाद से जब से सत्ता में आने के लिए कुछ लोगों ने इसका पॉलिटिक रूप दिया गया, इस चीज़ को जब से पॉलिटिक रूप दिया गया, जब से इसमें वाद विवाद ज़्यादा बढ़ गया और 2003 के बाद से ही वहाँ अशांति रहने लगी। 6 फरवरी 2003 में को यहाँ पर 1.5 लाख लोगों ने का आह्वान हुआ और यहाँ पर पूरे ज़िले से 1.5 लाख हिंदू समाज धार में आया और प्रशासन को चुनौती दी कि या तो हिंदू समाज के लिए ताले खोल दे या हिंदू समाज अपने बाहुबल से भोजशाला में प्रवेश करेगा। 18-19 फरवरी का वह दिन जो धार जिले ने इतिहास लिखा, वही संघर्ष में पुलिस गोली चालन से हमारे 3 स्वयंसेवक जो धर्म रक्षक थे वो शहीद हुए। उसके कारण 8 अप्रैल 2003 को ये अधिकार मिला है कि आज हम भोजशाला के अंदर मंगलवार को बैठकर सत्याग्रह कर पाते हैं और 8 अप्रैल से आज तक ये सत्याग्रह चल रहा है। इस विवाद को 2.5 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इतने लंबे समय बाद भी दोनों पक्ष इस मसले का जो हल बताते हैं वो डोर को और अधिक उलझाने वाला ही है। आप खुद ही सुन लीजिए। बस मंदिर है तो उसको मंदिर दे दिया जाए और जो अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण को समाप्त किया जाए, यही एक हल, इसके अलावा कोई हल नहीं। मामला बिगड़ा हुआ नहीं है, मामला सुलझा हुआ है। वो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। यहाँ की स्टेट ने भी उसको मस्जिद घोषित कर रखा है, कोर्ट में केस भी है। ये लोग चाहे तो वो नए नए उकसुक हमेशा उठाते रहते हैं, नए नए इशू उठाते रहते हैं कि हम चुनरी ले जाएंगे, हम अब कावड़ यात्रा ले जाएंगे, ये लोग नए नए प्रोपेगेंडे वहाँ लाते। बुद्धिजीवियों की बैठकों के बजाय चाय की दुकानें अक्सर उलझे हुए मसलों का आसान सा हल दे देती हैं। इस पूरे मामले में धर्मेंद्र सिंह चावड़ा नाम के इस नौजवान का बयान बेहद जरूरी हस्तक्षेप है। ये सर नहीं होना चाहिए। मैं भी जब 2016 में यहाँ पे गया था भोजशाला में, तो उस टाइम पे मुझे भी मतलब वहाँ पर जो दंगे फसाद हुए थे तो मुझे भी वहाँ पर पुलिस वालों ने मारा था, पीटा था। और फिर मैंने देखा कि वाकई में ये इसको आम आदमी इसमें मारा जाता है और राजनीतिक जो पार्टी रहती है वो अपने लालच के चक्कर में दंगे फसाद करवाती है और उसमें आम जो किसान या मजदूर श्रेणी के जो व्यापार व्यवसाय के जो भी मतलब जो मजदूर लोग रहते हैं उनके लिए अगर दंगे वगैरह होते हैं तो उनके लिए मतलब काफ़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है, दिक्कतों का। और कर्फ्यू लग जाते हैं तो उसमें मजदूरों को मतलब कमाने दमाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे मेरा तो ये है सॉल्यूशन कि ये दोनों पार्टी को बैठ के समझौता कर लेना चाहिए ताकि ये झगड़े दंगे फसाद नहीं हो। 2016 की वसंत पंचमी शुक्रवार के रोज आई थी और ये त्यौहार धार में तनाव के तौर पर आया था। 2023 में यही संयोग दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बीच हमको ये समझने की ज़रूरत है वो कौन सी सियासत है जो हमें मंगलवार और शुक्रवार में बांटी दे रही है। ये चुनावी मौसम है और हमारी सियासी पार्टियाँ वोट हासिल करने के लिए हर चंद हथकंडे अपना रही हैं। लल्लन टॉप आपसे यही कहना चाहता है कि जब आप वोट डालने जाएं तो वोट डालने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। धर्म और जाति और नफरत की किसी तरीके के उकसावे में आने के बजाय मुद्दों पर वोट डालिएगा ताकि आप जो सरकार चुने वो आपके लिए काम कर सकें।